अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है संडे और इंशाल्लाह हम हर संडे अपने एक क्यू एंड ए वीडियो बनाया करेंगे जिसके अंदर आप लोग जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे संडे को उनकी एक वीडियो के अंदर रिप्लाई कर दिया करूंगा। अगर आप लोग भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ चीजें पूछना चाहते हैं तो आप लोगों ने हैशटैग मिर्ज़ा लिखकर अपना क्वेश्चन पूछना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे में आपका जो क्वेश्चन है वो लाजमी पिक करूंगा। नंबर वन क्वेश्चन पूछने वाले हैं समीर मजर भाई, टिकटॉक वायरल क्यों नहीं कर रहा मुझे? तो भाई टिकटॉक वायरल अपनी मर्जी से करता है, पहले ट्रिक लगती थी, ट्रिक लगने से वीडियोस वायरल होती थी, लेकिन आजकल कोई ट्रिक नहीं लग रही, हर बंदे का जो अकाउंट है वो फ्रीज हुआ पड़ा है, समझ में बेकार है। तो कोशिश करें ट्रेंड को फॉलो करें, जो ट्रेंड आ रहा है उसको लाजमी फॉलो करें, आप लोग वायरल हो जाएंगे। या तो आप लोग अपना कंटेंट अच्छा करें, अगर आप लोग का कंटेंट अच्छा है तो आप लोग कंटेंट अपलोड करें और वेट करें, और आपका एक ऐसा वक्त आएगा आप लोगों का एक नाम बन जाएगा। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछने वाले राणा मुजाहिद, आपका मिर्ज़ा 361 वाला अकाउंट बैन हो गया क्या? नहीं भाई, वो अकाउंट बैन ही हुआ लेकिन मैंने उसको अभी स्टॉप किया है क्योंकि अभी कोई ट्रिक नहीं आ रही, तो जैसी कोई ट्रिक आएगी मैं उसके ऊपर अप्लाई करके वो अकाउंट दिखा दूंगा। नंबर तीन पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जेड आर राइपर ब्रो, स्नैक से फेक कॉइन्स मिल सकते हैं या नहीं? लोग या ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करते हैं क्या, लाखों कॉइन्स अर्न करें, कैसे अर्न करें? तो स्नैक से कॉइन्स अर्न करने का जो बेस्ट मेथड है वो यही कि आप लोगों ने अपने दोस्तों को इन्वाइट करना है, एक को इन्वाइट करेंगे आपको 2-3 लाख कॉइन्स मिलते हैं जो कि तकरीबन 20-30 और 65-70 रुपये बनते हैं। इस तरह से आपने अपने दोस्तों को इन्वाइट करना होता है, वीडियोज़ देखते हैं थोड़े से कॉइन्स मिलते हैं लेकिन वो 1-3 रुपये बनते हैं, तो बेस्ट मेथड यही है कि आपने अपने दोस्तों को इन्वाइट करना, जितना ज़्यादा दोस्तों को इन्वाइट करेंगे उतने ज़्यादा फायदा होगा। और जो लोग कहते हैं कि लाखों कॉइन्स मिलेंगे और फेक वीडियोज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए ये काम करते हैं। नंबर चार पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं समीरुल्लाह जानी ऑफिशियल, योर एज एंड सिटी? भाई मेरी एज है 21 साल और मैं बहावलपुर से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं टेक्निकल राजपूत जी, अपना नंबर दो, मैं लोधरा से हूँ। तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और इसका जो यूजर नेम है मिर्ज़ा की टैग है, तो इंस्टाग्राम पर सर्च करके मुझे डीएम कर दें, इंशाल्लाह वहां पर गपशप जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है सुरेला नूरी, रियल फॉर यू ट्रिक बताओ प्लीज। तो भाई रियल फॉर यू की जो ट्रिक है वो भी काम नहीं कर रही, कह सकते हैं कि जो पहले रिपोर्टिंग वाली ट्रिक होती थी वो भी काम नहीं कर रही। उसके अलावा ये कि फैक्ट्स इस्तेमाल करें आप लोग, जो आपके पास टेम्पलेट आते हैं उनका इस्तेमाल करें और जो जो न्यू ट्रेंड आता है उसको इस्तेमाल करें, तो आपकी वीडियो वैसे ही वायरल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं म्यूजिकली वायरल, वेयर आर यू फ्रॉम? तो भाई मेरा ताल्लुक भावलपुर से है, मुल्तान के साथ, ये सिटी है एक छोटा सा, आप लोगों ने नाम लाजमी सुना होगा, अगर आपने नाम सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं रेहान अजीज भाई, पहले टिकटॉक पर हर वीडियो 10K+ व्यूज पे जा रही थी और कुछ 1 लाख व्यूज पे भी गई और एक वीडियो 2.5 मिलियन पे भी गई, मगर अब 10,000 व्यूज बहुत मुश्किल से आते हैं, प्लीज कुछ हल बताएं, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। जी भाई पहले ऐसा था कि हमारी वीडियोस के ऊपर ना हम कोई भी रिपोर्ट करते थे, हमारी वीडियो कुछ ही दिन के अंदर या कुछ ही घंटों के बाद ना वीडियो फॉर यू पर चली जाती थी। यकीनन आपने भी यही काम किया होगा, अपनी वीडियोज के ऊपर आप लोगों ने रिपोर्ट की होगी, मैंने भी इस तरह से बहुत सारे अकाउंट्स के ऊपर वीडियोज वायरल की थी और कोई ना कोई रिपोर्ट लग जाती थी, लेकिन अब जो टिकटॉक एल्गोरिथम है और अपडेट आई है उसके मुताबिक आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशन भी होती हैं, अकाउंट आपका सस्पेंड होगा। दूसरे नंबर पे कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही, मैंने अपने सभी अकाउंट के ऊपर वीडियोस अपलोड करके काम सारा चेक कर लिया लेकिन कोई भी रिपोर्ट काम नहीं कर रही। तो उसके अलावा फिर हाल सोल्यूशन यही है कि आप लोग एक काम करें, जिस वीडियो के ऊपर आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उसी वीडियो को रीपोस्ट करें या उसके ऊपर अपना एक ओवरव्यू दें या उस वीडियो को एडिट करके दोबारा अपलोड करें और उस तरह का कंटेंट दोबारा रिपीट करें, फिर आप लोग देखिएगा आपके व्यूज़ दोबारा इंक्रीज होंगे और आप बाद में आप अपना जो कंटेंट है वो सही से अपलोड करना शुरू कर दें। ये चीज़ लाजमी ट्राई करना है और आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आपने ये काम किया है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं मुस्तफ़ा जान, आई मिस यू आई लव यू। तो भाई आई मिस यू टू, आई लव यू टू, थैंक यू। उसके बाद अली गेमिंग पूछ रहे हैं टिकटॉक कोर्स की नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? भाई मैं टिकटॉक की जो सीरीज़ है वो शुरू की थी और 7-8 वीडियोस मैंने अपलोड की थी, उसके अंदर मुझे कुछ रिस्पांस देखने को नहीं मिला, लेकिन जो टिकटॉक पर जो बिगनर के लिए जो चीज़ें थी वो मैंने सारी की सारी बता दी हैं, और अब ये कि टिकटॉक के ऊपर वीडियो वायरल नहीं हो रही तो मैंने इसलिए उस कोर्स को स्टॉप किया। जैसे ही कोई ट्रिक और वीडियोज़ वायरल होना शुरू होंगी तो मैं उस कोर्स को दोबारा शुरू करके उसके अंदर जो ट्रिक्स हैं वो बताना शुरू कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुराब ट्रैक भाई, यूट्यूब रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करते हैं? तो यूट्यूब के ऊपर रेवेन्यू इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपका सीपीएम आरपीएम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं आपका टाइटल है वो किस तरह का है और आपकी वीडियो किस तरह की कैटेगरी की है। अगर तो अर्निंग वाली वीडियोज बनाते हैं तो आपको थोड़े से व्यूज पर ही $1,000 बढ़ जाता है, और अगर आप लोग व्लॉगिंग और गेमिंग पर वीडियोज बनाते हैं तो आपके 2,000-3,000 वीडियोज जो कीवर्ड्स होते हैं उनके मुताबिक आपका रेवेन्यू क्रिएट होता है। उसके अलावा सीपीएम आरपीएम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कीवर्ड्स आपके जितने ज़्यादा होंगे और जिनके ऊपर जो एडवर्टाइज़र होता है वो जितने ज़्यादा पैसे किसी कीवर्ड पर लगाता है, अगर आपने उस कीवर्ड को अपनी वीडियो के अंदर ऐड किया है और उसी के मुताबिक आपकी वीडियो है तो यूट्यूब उतने ही महंगे एड्स लाएगा और आपको उतना ज़्यादा रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहरी बॉयज़ कमेडी, किसी को कोई जवाब नहीं मिलेगा, हाँ हाँ।
तो भाई ये मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि आप लोग क्वेश्चन पूछे, मैं इनका वीडियो की शक्ल में आंसर करूंगा। तो आपने अपना मतलब कह दिया वो काफी है। उसके बाद वलीद रजा कह रहे हैं जी बिल्कुल जी भाई, आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लोग पूछ सकते थे। उसके बाद आखिर में हमारे पास एक स्टार बाबा पूछ रहे हैं कि एज द मास्टर ऑफ चिकन डिनर आई विल स्प्रेड केचप इन बर्गर माय फूड एंड बाय माय टीम। तो यार सही बात है कि स्नैक वीडियो ने हर जगह इतना ज्यादा गंद फैला रहा है और इतना ज्यादा दिमाग खराब किया है। जैसे यूट्यूब को ओपन करते थे, किसी भी वीडियो को ओपन करते थे, सबसे पहले यही ऐड होता था कि एज अ मास्टर ऑफ स्नैक वीडियो आई विल स्प्रेड पॉजिटिविटी बाय माय वीडियोस बाय माय कंटेंट। तो यार इस बंदे ने कोई स्प्रेड और पॉजिटिविटी को कोई नहीं फैलाई। टिकटॉक का अकाउंट चेक कर लें, सबसे चौड़ वीडियोज भी इस बंदे ने बनाई हुई थी और पहले भी बनाता आ रहा है। तो ये तो मतलब उसका एक अलग करेक्टर है, लेकिन स्नैक वीडियो ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करके तकरीबन सभी यूट्यूबर्स और सभी क्रिएटर्स की नज़र में इसकी वो कुत्तों वाली करवाई है ना, हर बंदे को पता है। तो ये तो स्प्रेड पॉजिटिविटी चलती रहेगी, जिस तरह से लोग आजकल स्प्रेड पॉजिटिविटी कर रहे हैं, काम चलता रहेगा। तो ये था आज का क्यू एन ए वीडियो। अगर आप लोगों को ये क्यू एन ए वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करना है। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछने जाते हैं या किसी का भी क्वेश्चन लाइक किया तो दोबारा पूछ सकता है। क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, नेक्स्ट संडे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपका जो क्वेश्चन है वो लाजमी पिक करूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।